लेकिन उन्होंने अब ये नहीं बताया कि कब और किस किस्म की मदद की जाएगी। इस हवाले से हमने जैसे कि पहले भी कहा कि पहले क्या कुछ किया जा चुका है और ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, तो फिर हम मजीद डोनाल्ड ट्रंप को क्यों कह रहे हैं, उससे दोबारा से क्यों मदद मांग रहे हैं और फिर दोबारा से क्यों तवक्कुआत रख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है और वो अपनी फौजें अफगानिस्तान से निकालना चाहता है और ईरान के साथ जंग छेड़ना चाहता है। वो सिर्फ पाकिस्तान को एक लोलीपॉप दे रहा है कि जी मैं आपकी सुलह कराना चाहता हूँ। वो समझता है कि पाकिस्तान का वीक पॉइंट यही है कि वो पाकिस्तान बड़ा डेस्परेट है, भाई हमारी एरिया सुलह हो जाए, कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो वो इसलिए कह रहा है। वरना अमेरिका तो ये तो पाकिस्तान के खिलाफ जैसे जज्बात रखते हैं, वो ब्रिगेडियर साहब को भी पता होगा, सारे दोस्तों को पता होगा। तो हमें अपने हालात को देखकर फैसला करना चाहिए, हमें किसी प्रेशर में नहीं आना चाहिए। और याद आपको याद होगा कि इससे पहले जब इमरान खान साहब अमेरिका गए थे तो उस वक्त कहा जा कर मैं साजिश करूंगा, और उसके फिर तकरीबन 15-20 दिन बाद 5 अगस्त को जो मोदी ने जो पार्लियामेंट से कश्मीर की हैसियत उसकी स्टेटस ही चेंज कर दिया और फिर 170 दिन से वहाँ कर्फ्यू नाफिज है। तो अगर उसको ट्रंप को ये कहना चाहिए कि अगर कम अज़ कम ये करा दें कि और कोई नहीं तो वहाँ से कम अज़ कम कर्फ्यू तो उठा दें, वहाँ भी इंसान है। वैसे तो ह्यूमन राइट्स के बड़े वायलेशन, ह्यूमन राइट्स के बड़े जो खेल बनते हैं अमेरिकन और यूरोपियन सारे, लेकिन इंडिया में जब 80 लाख मुसलमानों को जो कर्फ्यू लगा रखा है, वहाँ खाने पीने की इशा का मसला है, सेहत का मसला है और बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, खवातीन के साथ ज्यादा हो रही है, रेप्स के केस हो रहे हैं।